तो भाई ओडिया फिल्म दमन ने तो धूम मचा दिया, और ओडिया के जो फैंस हैं, बॉलीवुड फैंस हैं, तो उन्होंने भी ये दिखा दिया कि सिर्फ तुम कॉपी करके बना देने से ओडिया नहीं जाएंगे, अच्छा कंटेंट बनाओ तभी तो लोग देखने जाएंगे। तो भाई लोग मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेकर्स बोल रहे थे कि ओडिया पब्लिक इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, बिल्कुल तुम लोग कॉपी कर रहे हो। देखो एक फिल्म, ओडिया फिल्म जो 100 दिन तक चल रहा है ये कोरोना के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। कोई ओडिया फिल्म 100 दिन तक नहीं चला है, क्योंकि ये अपने आप में एक बेस्ट है, क्योंकि इस फिल्म 100 दिन मतलब पूरे मान लो 3 महीने 10 दिन पूरे चला है। भाई लोग अगर बात करें इस फिल्म के बारे में, देखिए 95 लाख के बजट में बनी ये फिल्म, जिसने सिर्फ ओडिशा नहीं पूरे पान इंडिया रिलीज हुआ है, हर एक स्टेट में रिलीज हुआ है, ऐसा है 2 या 3 स्क्रीन शो या क्यों नहीं, लेकिन चला है 100 दिन तक चला, ये बहुत बड़ी बात है ओडिशा इंडस्ट्री के लिए। और बात करें अगर फिल्म के बजट के बारे में, देखिए 95 लाख बजट है, लेकिन फिल्म ने अपने ही स्टेट में 12 करोड़ कमा लिया। टोटल अगर मिला दे टोटल बॉक्स ऑफिस, तो भाई देखिए टोटल बॉक्स ऑफिस अगर कलेक्शन कर दे तो कम से कम आपको मिल जाएगा देखने, अब तो ये तो नहीं पता, मैं आप शाम को बताऊँगा पूरे हिसाब करके, लेकिन एक बात ज़रूर है कि देखिए फिल्म को देखने जाओ, ठीक है। फिल्म भाई ओडिशा के फैंस का इतना आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स रहेगा, इतना सपोर्ट रहेगा, भाई मैं सपने में भी सोचा नहीं था, मैंने तो बस यही सोचा था कि फिल्म बहुत अच्छा है, बस ओडिया से देखने जाएंगे, लेकिन इस तरह का सपोर्ट यार मैं पहली बार देखा।